हेलो दोस्तों, मैं रानू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टैग में। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब भी आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यानी कि UID की वेबसाइट के माध्यम से जब भी आधार कार्ड डाउनलोड करने जाते हो तो यहाँ पर ज़्यादातर टाइम आपको सर्वर पर लोड देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जब भी आधार कार्ड डाउनलोड करोगे तो इतनी आसानी से आधार कार्ड डाउनलोड नहीं होने वाला है और आपको एक आधार कार्ड डाउनलोड करने में कम से कम एक घंटे का समय लग जाता है क्योंकि साइट ठीक से काम नहीं करते या फिर आधार कार्ड आप डाउनलोड ही नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप करना क्या चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड डाउनलोड करने के वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए एडिशनल में। देखिए, पहला ऑप्शन तो आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डाउनलोड आधार के कॉलम पर जाकर आपको डाउनलोड करना होता है, लेकिन वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी आसानी से डाउनलोड नहीं होता है आधार कार्ड। अब यहाँ पर मैं आपको दो एडिशनल ऑप्शंस बताने वाला हूँ। पहला तो आपको एम आधार और दूसरा आपका डिजी लॉकर। दोस्तों, यहाँ पर एम आधार देखिए क्या है। एम आधार UID की तरफ से एक ऐसी ऐप से जो कि किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर सिंपली आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में ओपन कर लेना, OTP के माध्यम से लॉग इन हो जाना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आधार कार्ड को फ्रंट साइड से देख सकते हो और बैक साइड से भी शो करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड के दोनों साइड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेने के बाद आप उसका चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो या फिर उसको कलर प्रिंट आउट निकाल कर आप अपना कार्ड भी बना सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ए हो गया एम आधार। अब सेकंड ऑप्शन होता है आपका डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आपको एंड्रॉयड मोबाइल के लिए एक ऐप भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको प्ले स्टोर की डिजी लॉकर की ऐप से सहूलियत होती है डाउनलोड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली अपने PC में जाइएगा, digilocker.gov.in की वेबसाइट को ओपन करिएगा अपने ब्राउजर में। वहां पर ब्राउजर में लॉग इन करने के बाद अगर आपने डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड नहीं किया है आधार कार्ड के माध्यम से तो पहले तो रजिस्टर्ड करें, और अगर रजिस्टर्ड ऑलरेडी है तो यहाँ पर लॉग इन करें। लॉग इन के बाद सिंपली आपको यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स के कॉलम में जाकर वहां से आपको अपना आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेना है। लेकिन यहां पर दोस्तों दोनों प्रोसेस में एक चीज सेम रहेगी, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर उम्मीद करता हूं यहां पर आपको एक छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम को फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।